हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमित। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज तो बताना चाहता हूं कि ये रैंडम इवेंट नहीं है। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दिस वीडियो। जो मेरा पर्पस है वो ये है कि मैं आपको बता सकूं कि विपश्यना मेडिटेशन होता क्या है, कैसे ये आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। एट द सेम टाइम, व्हाट इज योर पर्पस, आपको वीडियो के लास्ट जाते जाते, अंत तक जाते जाते पता चल ही जाएगा, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। राइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड फाइंड मोर अबाउट दिस मेडिटेशन। एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ वो ये है कि आई एम नॉट अ विपश्यना टीचर। बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगा कि मैं ये सिखा सकता हूं आपको। आई एम जस्ट अ फॉर्मर स्टूडेंट, विपश्यना मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, जिसको लाइफ में बहुत सारा बेनिफिट मिला हुआ है। लाइफ में थोड़ा विजन क्लियर हो गया, थोड़ा डिसिप्लिन आ गया, बहुत सारी छोटी छोटी जो एडिक्शन थे वो छूट गया। तो मेरे को ये लगता है कि ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं भाई लोगों को भी बता सकूं कि ये विपश्यना मेडिटेशन है क्या, इसको करने के रिक्वायरमेंट्स क्या है, कहाँ पे आपको एनरोल करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है इसकी। सो दैट माई पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। उसके बाद एक जो छोटा सा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि व्हाट इज द राइट एज। जो मेरे को पता चला विपश्यना मेडिटेशन के बारे में, वो पता चला जब हम अपने मैनेजमेंट स्कूल में थे, तो एक पार्ट था करिकुलम का जहां पे हमें 10 दिन के लिए वहां जाना ही जाना था। राइट, जब हम वहां पे गए तो हम काफी डरे हुए थे कि क्या ही मिल जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसा। बट देन व्हेन वी डिड इट, वी रियलाइज दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प अस टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, कम्युनिकेशन बढ़ाने में, इन सारी चीजों में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है हमारे को। राइट, सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल कि हमें बहुत ही अर्ली एज पे इसको, इस मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। बट इफ यू आर समबडी हु इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, वर्क लाइफ में बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आपको वर्क टेंशन ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए भी ये मेडिटेशन काफी हेल्पफुल हो सकती है। इनफैक्ट बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस अपने मिड लेवल मैनेजमेंट को, अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को इस मेडिटेशन को करने के लिए भेजते हैं। वो बोलते हैं कि आप जाओ, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है इस मेडिटेशन को करने से। राइट, अगर आप ऐसे आदमी हैं जो कुछ तो एडिक्शन है आपको, बाय द वे लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली दैट विपश्यना इज नॉट अ डी एडिक्शन सेंटर। बट अगर कुछ ऐसा है, जैसे सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया, या पार्नोग्राफी हो गया, या ड्रग एडिक्शन हो गया, या अल्कोहल एडिक्शन हो गया, विपश्यना विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव जहां पे ये आपको छोड़ने में बहुत ही हेल्प करेंगे। बट सिंस आई एम अ टीचर, तो मेरे को ये लगता है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को तो इस मेडिटेशन के बारे में पता होना ही चाहिए, बिकॉज दे आर द वंस जो बहुत सारे स्टडीज में उनको कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, लाइफ की अनएक्सपेक्टेंसी को उनको झेलना पड़ता है, कब कहाँ क्या हो जाएगा, वो बेचारे बड़े डरे हुए होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो मेरे को लगता है कि विपश्यना मेडिटेशन की जरूरत अगर किसी को है सबसे ज्यादा, तो वो स्टूडेंट्स को है। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर अ स्टूडेंट, सो प्लीज गो फॉर दिस सेंटर। राइट, गो फॉर दिस प्रोसेस। एक जो सिंपल क्वेश्चन है वो ये है कि कितने पैसे खर्च होंगे, कितने पैसे लगेंगे। एंड आई टेल यू व्हाट, दिस इज व्हाट यू विल हैव टू स्पेंड, 0 रुपीज। एक भी पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है इफ यू हैपन टू बी द फर्स्ट टाइमर, ऐसा माना जाता है। बिकॉज विपश्यना इज सच अ पायस थिंग कि आप इसको पैसे दे के तो नहीं खरीद सकते। तो जब भी आप वहां पे सेंटर पे जाएंगे 10 दिनों के लिए, आपका स्टे, आपका फूड, सब कुछ, आपका मेडिटेशन, सब कुछ आपको दिया जाएगा, बट आपसे कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके पीछे का रीजन ये माना जाता है कि ये ना किसी के डोनेशन से आया हुआ है। सो व्हेन यू आर रिसीविंग इट, यू हैव गॉट टू बी वेरी हम्बल, यू हैव गॉट टू बी वेरी थैंकफुल, बिकॉज यू हैव नॉट पेड फॉर इट। तो ये ह्यूमिलिटी वो सिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। बट देन ये रन कैसे होता है, ये जो फॉर्मर स्टूडेंट्स होते हैं वो जब अपनी लाइफ में बेनिफिट देखते हैं, तो वो वापस आके डोनेट करते हैं ताकि बाकी लोग कर सके। तो दैट इज हाउ दिस इज मैनेज्ड। तो एक भी रुपए यहाँ पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप विपश्यना मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो ये कंस्ट्रेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। राइट, How did Vipassana came into existence? Some 2,500 years back, it was invented by Bhagwan Buddha. And then in its present form, it was reinvented by Acharya Sri Goenka. And let me tell you this, it is not a religious process. It doesn't have anything to do with any religion, including Buddhism. Koi bhi incantation involved nahi hai.
कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, कोई डॉगमा नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं है कि आपका जीवन बदल दिया जाएगा या आपको मोक्ष प्राप्ति करा दी जाएगी, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला जाएगा। इनफैक्ट भगवान बुद्ध यूज टू से दैट अप दीपो भव, आप स्वयं का प्रकाश बनिए, आपको जो ये रास्ता है ये स्वयं ही तय करना है, इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। And that is why Vipassana is an experiential process where you get to experience the core of your own existence. There are two broad learnings that I would like to share with you. Number one is everything is impermanent, everything is anicca. Just to make you understand, I have got a very simple example. जैसे बॉडी पे कहीं पे हमारे इचिंग हुई तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि वो हमारे हाथ को सिग्नल भेजेगा, हाथ जाएगा, स्क्रैचिंग करेगा और इचिंग खत्म, राइट? यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड इट योरसेल्फ। विपश्यना ट्राइज टू टीच अस डू नॉट रिएक्ट टू दिस। दिस इज अ फॉर्म ऑफ सेंसेशन दैट हैज टेकन प्लेस इन योर बॉडी, इट हैज अ लाइफ साइकिल, आया है और जाएगा। डू नॉट रिएक्ट टू दिस, जस्ट बी ऑब्जर्वेंट। और आपने देखा होगा अगर आप किसी भी इचिंग पे रिएक्ट ना करो तो वो आके चला जाता है। बॉडी में बहुत सारी सेंसेशंस हमारे होती रहती है। विपश्यना इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए हमें यह सिखाने की कोशिश करता है कि एवरीथिंग दैट वी फील, ऑल आवर इमोशंस आर नथिंग बट सेंसेशंस, जॉय, एक्सटेसी, हैप्पीनेस, मिजरी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब कुछ सेंसेशंस हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। आइदर वी गेट कैरिड अवे बाय देम एंड वी इन्वॉल्व आवरसेल्फ और वी बी ऑब्जर्वेंट एंड हैव दिस अवेयरनेस कि ये आए हैं तो जाने के लिए ही आए हैं। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ऐसा हुआ तो फिर कितना ही बेनिफिट आपको होने वाला है, राइट? जैसे मेरे अल्कोहल की प्रॉब्लम थी, ये चली गई बिकॉज आई वॉज अवेयर दैट दिस पर्टिकुलर सेंसेशन, एक क्रेविंग है अल्कोहल के लिए, वो आई है बट वो चली जाएगी। आई जस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, आई जस्ट हैव टू बी ऑब्जर्वेंट ऑफ इट, आई डू नॉट हैव टू रिएक्ट टू दिस। तो मेरे बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो थे वो लाइफ के चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ विपश्यना। माई लर्निंग नंबर टू वॉज always try to see things the way things are, not the way you want them to be happening, right? ये बड़ी important सी learning है कि हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा लोगों को judge करते रहते हैं। लोगों के कपड़े देखकर, लोगों के financial status देखकर, उनके gender को देख के, उनके educational background को देख के, हम हमेशा, the mind has been designed in such a way that आप consciously involved भी नहीं होते उस judgmental process में, कि अब दिमाग हमेशा जज करता रहता है लोगों को। So what do? We have to stop it. How do we stop it? The very first step is we have got to be aware of our own thoughts about these. So we need to learn to see things the way things are. So these are two very important learnings that I have drawn from Vipassana. एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे से हमेशा पूछा जाता है कि क्या विपश्यना करना बड़ा ही मुश्किल टास्क है? My answer to such queries is, first of all, you should know the processes very well. Number two, you should also be knowing the kind of preparedness that would be required from your end, right? And the third is, अगर आप किसी चीज को मान लो कि वो मुश्किल है तो वो मुश्किल है, और अगर आपने ठान लिया कि कुछ करना ही है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसको करने से नहीं रोक सकती। So, first thing first, you will have to find out 11 days. आपको वहां पे जाके रहना पड़ेगा। आपके रहने का, आपके खाने का जो अरेंजमेंट है वो सेंटर पे कर तो दिया जाएगा, बट देन यू विल हैव टू फाइंड आउट दोज 11 डेज फॉर योर सेल्फ। नंबर टू, वहां पे कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा थ्रू आउट योर स्टे, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉलोइंग द नोबल प्रिसेप्ट। सो दीज 5 नोबल प्रिसेप्ट्स आर, यू विल हैव टू अब्स्टेन योर सेल्फ फ्रॉम killing and stealing and telling a lie and intoxication and sexual conduct. So in 5 चीजों को throughout the stay आपको avoid करनी पड़ेगी। तीसरी बड़ी जो important चीज है वो है you will have to maintain the noble silence. अब इसका क्या मतलब हुआ? पहले कि आप किसी से वहां बात नहीं कर सकते, not only through your gestures, body language, बातें करना, everything is prohibited. You can speak only to your assistant teacher. जब आपको कुछ problem हो, जब आपको कुछ discuss करना हो, तो उसी assigned assistant teacher से ही आप बातें कर सकेंगे, right? And the second very important thing over here in following the
नोबल साइलेंस इज, आप अपने साथ मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप्स, ऐसी कोई भी चीज कैरी नहीं कर सकते. नॉट ओनली दिस, बट यू विल नॉट बी एबल टू कैरी न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स विथ यू. Everything is prohibited there. All the time you will have to do the meditation and do the reflection of your learnings, and that's it. And you know, the processes begin at 4 o'clock in the morning. So 4:30 to 6:30 there is the meditation setting, and then 6:30 to 8 you get ready for your breakfast and do, and 8:30 to 9:30 there is also a session. So throughout the day you have got sessions. Aur ye sara ka sara 9:30 pe raat mein jaake khatam hota hai. To आपको दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे बैठ के वहां पे मेडिटेशन करना पड़ेगा. तो आपको जो सिटिंग की प्रैक्टिस है वो आपको जब आप विपश्यना सेंटर जाएंगे तो उसके पहले से ही वो प्रैक्टिस करनी आपको शुरू करनी है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वहां पे जाके लोग बोलते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है. तो ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए, मेंटल टफनेस मेंटेन करने के लिए आपको वो प्रैक्टिस पहले से ही शुरू करनी पड़ेगी, राइट. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम यू. अब अगर इसको मान लिया जाए तो मुश्किल है, और ना माना जाए तो फिर तो बड़ा ही आसान है. क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता था कि मुश्किल है, नहीं कर पाऊंगा. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे रात में डिनर नहीं मिलता है, और मैं जाने के पहले से मैं घबरा गया कि डिनर नहीं मिलेगा तो फिर मेरा क्या होगा, डिनर नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा. वह शाम की स्नैक्स के बाद में डिनर नहीं मिलता. बट पहले दिन मुश्किल हुई, दूसरे दिन मुश्किल हुई, तीसरे दिन से फिर वो मैं उसी प्रोसेस में ही ढल गया, एंड देन डिनर की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी. सो वही बोला कि मेंटल टफनेस इज समथिंग दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, और आप इसको कर लोगे. इस पूरे भरोसे के साथ आप जाना कि इसको कर लोगे आप. Now the last question is, Vipassana के लिए enroll कैसे करेंगे? So first thing, you should go to the official website of Vipassana, which is dhamma.org, और वहां जाके Vipassana के बारे में थोड़ा पढ़ें, और उसके बाद में code of conduct तो आप जरूर ही पढ़ें, and then locate a center which is nearby your house, because we have got hundreds of centers across India. तो आपके घर के 100-200 किलोमीटर के अंदर में कोई ना कोई तो सेंटर हमारा जरूर ही होगा. आप उस जो सेंटर है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां पे उनके शेड्यूल देखें, और आप पहले तो अप्लाई करें वहां पे, क्योंकि इन सारे के सारे सेंटर्स में 3 महीने 6 महीने की वेट लिस्ट होती है. तो पहले आप अप्लाई करके उनकी जो मेल है उसका वेट करें, और जैसे ही आपको मेल की कॉन्फर्मेशन मिल जाए आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें वहां पे जाने के लिए, राइट. सो अगर आप dhamma.org ओपन करके विपश्यना के बारे में पढ़ते हैं तो और उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा जो पर्पज है इस वीडियो को बनाने का वो सॉल्व हो जाता है. और अगर आप वहां पे जाके आप इस मेडिटेशन टेक्निक को सीखते हैं, इससे लाभ उठाते हैं, तो फिर आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है, राइट. तो हम दोनों का पर्पस सॉल्व हो गया, एंड देन समडे यू विल बिकम द ब्रांड एम्बेसडर, बिकॉज विपश्यना के बारे में बातें वही करते हैं जो उसको करके आए होते हैं, जो उनके ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं. तो वन डे यू विल बिकम द ओल्ड स्टूडेंट, वन डे यू विल बी टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स ऑफ विपश्यना टू अदर्स, एंड दैट इज हाउ इट प्रोपेगेट्स, राइट. सो मे धम्म प्रोटेक्ट यू. May you be very well. May you go there and do the Vipassana and take the benefit of it. Thank you very much. Bye bye and take care.